हेलो क्लास सेकंड, मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों एक बार से, ऑर्डिनल नंबर आपके बुक में 1 to 30 दिया हुआ है, तो आइए एक बार देखते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। देखिए 1 से ONE, TWO, 1, 2, 3, 4, 5 जब ये हम काउंटिंग करते हैं तो ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है कि वो संख्या में कितनी है। और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर को दर्शाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में अगर ऑर्डर की बात की जाए कि कौन सा काम पहले हुआ या बाद में हुआ, या 3-4 बच्चे हैं तो उसमें से कौन, अगर कोई भी काम करने की को दिया जाए और यह देखा जाए कि उनमें किस बच्चों ने सबसे पहले काम किया, तो वो उसके लिए कहा जाएगा, जो वर्ड यूज होगा वो कहा जाएगा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे कौन आया तो दूसरे नंबर पे, तो उसके लिए वर्ड होगा सेकंड। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। ये ऑर्डर को दर्शाते हैं कि क्रम क्या है, किसी भी चीज़ को करने का क्रम क्या है, कौन किस नंबर पे है। जबकि कार्डिनल नंबर जो है वो क्वांटिटी को दर्शाते हैं। तो आज आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर 1 to 30 कॉपी पे लिखना है। तो आइए देखते हैं 1, ONE, 1, लेकिन ऑर्डर में हम 1 नहीं बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, FIRST, फर्स्ट। 2 ऑर्डिनल नंबर के लिए यूज़ होता है सेकेंड। 3 ऑर्डिनल नंबर यूज होता है थर्ड। 4 और ऑर्डिनल नंबर यूज होता है फोर्थ। देखिए दोनों की स्पेलिंग 4 तक आपको लिखना है, बाद में TH आपको ऐड करना है, फोर्थ। 5 लेकिन ऑर्डिनल नंबर में फिफ्थ बोलते हैं, VE को हटा देंगे, FIVE है 5, तो VE को हटा के आप ऐड करेंगे FIF और TH ऐड कर देंगे। TH ऑर्डिनल नंबर में सब में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 6 कार्डिनल नंबर है 6, लेकिन ऑर्डिनल नंबर है 6 लिख के उसमें TH ऐड कर देंगे। इसी तरह से 7 लिख कर और TH उसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर, 7th इसको पढ़ेंगे। उसके बाद 8th, EIGST लिख कर उसके बाद केवल इसमें H ऐड करेंगे। देखिए 9 ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर है 9, NINE, ऑर्डिनल नंबर ई को हटा देंगे और बस TH ऐड कर देंगे, 9th, इसको पढ़ेंगे हम 9th। 10 कार्डिनल नंबर है और 10th ऑर्डिनल नंबर है, 10 लिखकर और TH ऐड कर देंगे, 10th। इसी तरह से 11th, 11 लिखकर TH ऐड कर देंगे। देखिए 12 में थोड़ा सा डिफरेंस है, TWELVE, 12 ये कार्डिनल नंबर है और VE को हटा के आपको ऐड करना है F, TWELF और उसके बाद TH ऐड करेंगे, 12th, ये ऑर्डिनल नंबर है। इसी तरह से 12th में BE हटा के FTH ऐड करेंगे, 13 लिख के ऑर्डिनल नंबर में आपको केवल TH ऐड करना है, 14 लिख कर केवल TH ऐड कर देंगे तो ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा, 15 लिख कर फिर TH ऐड कर देंगे तो ऑर्डिनल नंबर, 16 में भी इसी तरह से TH ऐड करना है, 17 में भी TH ऐड करना है, 18th में भी, 19 में भी TH, लेकिन 20 में थोड़ा सा डिफरेंस है, TWENTY 20, लेकिन जब ऑर्डिनल नंबर बनाएंगे इसका TWENTIETH इसको हम पढ़ेंगे 20th, इसको पढ़ेंगे 20 और ऑर्डिनल नंबर को पढ़ेंगे 20th। अब देखिए 20 कार्डिनल नंबर हम पढ़ते हैं 21, लेकिन ऑर्डिनल नंबर पढ़ते हैं 21st। इसी तरह से 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th और इसको पढ़ेंगे 30th
38, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आपको लिखना है 1, 2, 30। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन्थ, फोर्टीन्थ, फिफ्टीन्थ, सिक्सटीन्थ, सेवन्टीन्थ, एटीन्थ, नाइन्टीन्थ, ट्वेंटीएथ, ट्वेंटी फर्स्ट, ट्वेंटी सेकेंड, ट्वेंटी थर्ड, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, सॉरी ट्वेंटी फिफ्थ, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन्थ, ट्वेंटी एट्थ, ट्वेंटी नाइन्थ, थर्टीएथ। वंस अगेन, ट्वेंटी फर्स्ट, ट्वेंटी सेकेंड, ट्वेंटी थर्ड, ट्वेंटी फोर्थ, ट्वेंटी फिफ्थ, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन्थ, ट्वेंटी एट्थ, ट्वेंटी नाइन्थ, थर्टीएथ। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर 1, 2, 30 आप कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे।